हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 12 प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में, जिसका हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज क्या करता है, एक असेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथि का कार्य करता है डाइजेशन में। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना। पेनक्रियाज की किस टाइप की संरचना होती है, इलोंगेटेड टेपर्ड एंड येलोइश ग्लैंड। यानी एक लंबी टेपर्ड मतलब एक साइड से ब्रॉड और दूसरी साइड से नैरो, यानी सॉडी और एक साइड से संकरी होती है। और यह एक येलोइश ग्लैंड यानी पीले रंग की ग्रंथि है। इसकी संरचना देखें, यह है संरचना किसके, पेनक्रियाज की। यह पेड़ की एक पत्ती होती है, लीव होती है, उस टाइप की कुछ इसकी संरचना होती है अग्नाशय की। अब नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ सीक्रेशन। अग्नाशय के द्वारा कितनी मात्रा में पेनक्रियाटिक जूस जो इसका सीक्रेशन होता है, अग्नाशय रस का स्त्रवण किया जाता है पर डे। यह होता है ऑलमोस्ट 500 टू 800 ml पर डे। इतना है जो अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस को, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट किया जाता है। टाइप ऑफ ग्लैंड, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ ग्लैंड। मेनली ग्लैंड है उस दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो पेनक्रियाज किस टाइप की ग्लैंड है, पेनक्रियाज है मिक्स ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड या हेटरोक्राइन ग्लैंड। हेटरोक्राइन ग्लैंड यानी यह बहिस्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी भी है। ये 99% है वो एक्सोक्राइन होती है और 1% एंडोक्राइन होती है। इसको हम आगे डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। फिर बात आती है लोकेशन, ये प्रेजेंट काम होती है, ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द स्टोमक लेइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में किस साइड, लेफ्ट साइड। ये प्रेजेंट होती है जस्ट स्टोमक के पीछे यानी आमाशय के पीछे, और जो ड्यूडिनम होता है छोटी आंत का भाग, उसके पैरेलल कुछ इस टाइप से। इस डायग्राम में यह है स्टोमक और यह है आपको दिखाई दे रही कोई, यह है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, और यह है ड्यूडिनम
और ड्यूटेनियस जो उसका हेड होता है, पेनक्रियाज को मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट्स में, हेड, बॉडी और टेल। इन तीन पार्ट्स में पेनक्रियाज को डिवाइड यानी विभाजित किया गया है। तो पेनक्रियाज का जो हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है ड्यूडिनम की करो में या घुमाव में, या जो ड्यूडिनम की करो है इसमें दसा रहता है। ये बात हो गई इसकी लोकेशन की। यहां लिख सकते हैं इन द करो ऑफ ड्यूडिनम। अब है नेक्स्ट हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की औतिकी, औतिकी में हम क्या अध्ययन करते हैं? औतिकी होती है स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन। इनके अंदर हम सेल्स और उससे जो फॉर्मेशन है ऊतकों, उनका कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये देख लिया, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेल रीजन से, ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी रहे है। इतने से भाग को यह है ब्रॉड करके यहां दिखाया गया है। तो ये होती है, ये फ्लोर जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये है एसिनार सेल्स। ये इसका नंबर है 1 बिलियन के अराउंड होता है एक पेनक्रियाज में। ये क्लस्टर में प्रेजेंट होती है और ये एक सेल है, इसको हम बोलेंगे एसिनी। एसिनार सेल से वो कनेक्टेड रहती है इंटरकैलेटेड डक्ट के द्वारा, इंटरकैलेटेड डक्ट। इस डक्ट का क्या नाम है? इंटरकैलेटेड डक्ट, जिससे जो एसिनार सेल से जुड़ी रहती है। और इंटरकैलेटेड डक्ट आगे जाकर फ्यूज हो जाती है किसके साथ? फ्यूज होकर लार्ज एक वाहिका का निर्माण करती है, डक्ट का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं इंटरलोबुलर डक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरलोबुलर डक्ट, इंटरलोबुलर वाहिका। और इंटरलोबुलर वाहिका आगे जाकर एक और बड़ी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं इंटरलोब्यूल डक्ट। इसको बोलेंगे, ये है इंटर लोब्यूल डक्ट, इंटरलोब्यूल वाहिका। जो भी एसिनार सेल्स का सिक्रेशन होगा, जो एसिनार सेल्स सिक्रेट करेगी, ये एसिना सेल सिक्रेट क्या करती है? ये सिक्रेट करती है पेनक्रियाटिक ज्यूस का, यानी अग्नाशय रस, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, डीएनएज, आरएनएज, उन सभी का जो स्त्रवण है वो एसिना सेल्स के द्वारा किया जाता है, जिसको हम आगे फंक्शन में पढ़ेंगे कि उनका क्या काम होता है, जो एसिनार पेनक्रियाटिक ज्यूस जो सीक्रेट किया जाता है उसका। और जो इंटरकैलेटेड डक्ट है, जो एसिनार सेल सीक्रेट करती है, वो इस डक्ट के द्वारा आगे फ्लो कर दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है। यहां पे एक और सेल्स प्रेजेंट होती है, यहां पे इन सेल्स का नाम है इंटरकैलेटेड सेल्स। इनका क्या नाम है? इंटरकैलेटेड
इंटरकैलेटेड सेल्स। इंटरकैलेटेड सेल्स क्या करती है? इंटरकैलेटेड सेल्स बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करती है, स्त्रवण करती है। इंटरकैलेटेड सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है कि बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करो, स्त्रवण करो? उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन। कौन सा? इनके लिए सेक्रेटिन, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन इन इंटरकैलेटेड सेल्स को स्टिमुलेट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के स्त्रवण के लिए। और इनको कौन, एसिनर सेल्स को कौन स्टिमुलेट करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे सीसीके। सीसीके स्टिमुलेट एसिनर सेल्स। ये हो गए। इसके बाद हम एसिनर सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है कौन सी सेल्स? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो इनके द्वारा सिक्रेशन किया गया है वो इंटरलोब्यूलर डक्ट यानी वाहिका तक पहुंच गया है। उसके बाद कहां जाता है? उसके बाद ये है, ये डक्ट जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसका क्या, ये कौन सी होती है? इंटरलोब्यूल डक्ट है, वो कनेक्ट हो जाती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, मुख्य अग्नाशयी वाहिका के साथ, जिसे बोल एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है डक्ट ऑफ वेरसंग। वेरसंग साइंटिस्ट के नाम उन्होंने डिस्कवर की, इसलिए उसके नाम पर यह नाम रख दिया गया। यह है पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट आके जाकर डिवाइड हो जाती है, यह आई पेनक्रियाटिक, यह यहां से डिवाइड हो गई। और एसिटरी पेनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन किया, और एक जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है वो आगे जाकर यहां फ्यूज हो जाती है बाइल डक्ट के साथ, पित्त वाहिका के साथ। पित्त वाहिका कहां से आती है? जो लीवर है, यकृत है, यकृत में से दो वाहिकाएं निकलती है, हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट और राइट, दाई और बाई यकृत वाहिका, जो किसके साथ? यकृत वाहिका निकलती है किससे? यकृत से यानी लीवर से। फिर वो उसमें आकर फ्यूज होता है गॉल ब्लेडर की पित्ताशय की वाहिका सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट आकर हिपेटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो जाती है और क्या फॉर्मेशन करती है? फॉर्मेशन करती है कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त वाहिका का। सामान्य पित्त वाहिका आकर फ्यूज हो जाती है किसके साथ? अग्नाशयी रस के साथ यहाँ पर। और जो फिर फ्यूज होगी, फ्यूज होने के बाद ये डक्ट क्या कहलाएगी आगे की? हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। और वो आगे जाकर ड्यूडेनम में ओपन होगी। ड्यूडेनम में जहां ओपन होगी ये है, इसको बोलते हैं मेजर पेपिला। ड्यूडेनम में जहां ओपन होगी वहां एक सर्कुलर फॉर्म में एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स का, चिकनी पेशियों का। वो क्या करता है? वो इस फ्लो को कंट्रोल करता है जो पेनक्रियाज और बाइल से आ रहा है, बाइल डक्ट से आ रहा है। इस स्पिंटर का नाम होता है
स्प्रिंटर ऑफ ओडी, इनका नाम होता है स्प्रिंटर ऑफ ओडी, जो कहां प्रेजेंट होता है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो जाके खुलती है कहां, ड्यूडिनम में, वहां पर उपस्थित होता है। एक और होता है जो प्रेजेंट होता है यहां पर, जो बाइल डक्ट के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है, उसका क्या नाम है, स्प्रिंटर ऑफ बेडॉन, इसका नाम है, इसको आप क्लीन कर सकते हैं, इसका नाम है स्प्रिंटर ऑफ बॉयडेन। ये स्प्रिंटर जो बाइल आ रहा है, बाइल डक्ट में यानी पित्त वाहिका में, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब जो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट निकली थी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से, वो भी जाकर कहां खुलती है, ओपन होती है ड्यूडिनम में, जहां ओपन होती है उसका नाम क्या है, माइनर पेपिला, मेजर पेपिला, ये मेजर पेपिला और ये माइनर पेपिला। और जो एसेसरी डक्ट है इनका नाम क्या है, इसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी या बर्नार्ड, या डक्ट ऑफ बर्नार्ड या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट का नाम। जो 70% ऑफ सिक्रेशन है पैनक्रियास के द्वारा अग्नाशय रस का किया जाता है, वो एसेसरी सहायक अग्नाशय वाहिका के द्वारा ड्यूडिनम में स्त्रावित किया जाता है, और जो 30% पीछे रह गया है वो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट यानी मुख्य अग्नाशय वाहिका के द्वारा ड्यूडिनम में स्त्रावित किया जाता है। ये हो गई एसिनार सेल्स के सिक्रेशन और वो ड्यूडिनम में कैसे जाती है। अब हमने एक और बात की थी जिसको हम आगे फंक्शन में डिस्कस करने के लिए छोड़ो, अब है जो एसिनार सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, लैंगरेंस के द्वीप, इसमें मेनली चार सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। और जो अल्फा है, अल्फा सेल्स है वो यह है एक आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, इसकी पेरिफेरी में इस रीजन में क्या है, इस रीजन में प्रेजेंट होगी अल्फा सेल्स। कितना बनाती है, ये 25% कंसिस्ट करती है टोटल जो सेल्स प्रेजेंट होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस की सेल्स, एक सेल ग्रुप सेल्स में उसमें। और बीटा सेल्स 60% बनाती है, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है मिडल रीजन में, किसके, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के। और फिर आती है डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होती है पेरीफेरी में यानी परिधीय भाग में, अल्फा और डेल्टा यानी डी सेल्स है वो प्रेजेंट होती है पेरिफेरी में, और जो बीटा सेल्स है, बीटा कोशिका, वो प्रेजेंट होती है मिडल यानी मध्य भाग में आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के द्वीप के। अब एक और सेल्स है, कोशिका है वो प्रेजेंट होती है, उसका नाम है गामा सेल या एफ सेल या पीपी सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। यह क्या करती है,
यह भी पूरे ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बहुत कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है, 1% या 1 to 5% कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के, आइलेट्स ऑफ लैग्रेंज के। सबसे पहले अल्फा सेल कंसिस्ट, ये कितना बनाती है, ट्वेंटी फाइव परसेंट कहाँ होती है, प्रेजेंट इन पेरीफेरी, और इसका काम क्या होता है, किसका, एल्फा सेल्स का। एल्फा सेल्स का काम होता है ग्लूकोगन का सिक्रेशन करना, ग्लूकागन का सिक्रेशन, यह है उसका फंक्शन। यानी ग्लूकागन का जो स्त्रवण है वो एल्फा सेल्स करती है। ग्लूकागन क्या करता है, यह काम करता है यह ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, क्या करता है, यह कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। जो ग्लाइकोजन है यह स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा यदि अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है, विशेषकर लीवर्स में यानी यकृत में। और जब हमारी बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है, तो फिर ग्लाइकोजन एक्ट करता है, जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोजन एक्ट करता है ग्लाइकोजन पर और उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ताकि हमारी जो सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। अब है ये हो गई अल्फा सेल्स, अब है बीटा सेल्स, सेकेंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करती है, ये कंसिस्ट करती है 60% ऑफ लैग्रेंज, आइलेट्स ऑफ लैग्रेंज, यानी 60% सेल्स है वो बीटा सेल्स होती है। ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट उपस्थित कहाँ होती है, प्रेजेंट इन मिडल यानी मध्य भाग में उपस्थित होती है, और ये सिक्रेशन करती है, स्त्रवण करती है, किसका स्त्रवण करती है, इंसुलिन का। इंसुलिन का स्त्रवण करती है। इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन का काम होता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करना है, ग्लूकोज, हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी कन्वर्ट इन ग्लाइकोजन,
है टोटली ऑपोजिट अल्फा सेल्स के, ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी स्टोरेज फॉर्म में, ताकि हमें बाद में कभी भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। और जो इसको ये प्रोसेस है इसको कहते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस। ये कहलाती है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोजिनोलाइसिस कहलाती है। और इंसुलिन है ये जो स्टोरेज फॉर्म में फैट प्रजेंट होता है उनका भी यूटिलाइज प्रोटीन होते हैं उनको भी वापस ग्लूकोज में जब हम रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी में ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यदि प्रोटीन लिपिड का यदि कन्वर्जन ग्लूकोज में किया जाए इंसुलिन की प्रजेंस में तो उनको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हो गए बीटा सेल्स का फंक्शन। अब थर्ड सेल्स है, थर्ड है डेल्टा सेल्स या डी सेल। कंसिस्ट कितना बनाती है, कॉन्स्टिट्यूट टेन परसेंट ऑफ टोटल आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, यानी 10% जो सेल्स होती है वो डेल्टा सेल्स होती है आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस में। ये प्रजेंट कहाँ होती है, ये प्रजेंट होती है प्रजेंट इन पेरीफेरी यानी परिधीय भाग में उपस्थित होती है, कौन डी सेल। और इसका काम क्या होता है, ये सिक्रेट करती है सोमेटो स्टानिन, सॉरी सोमेटो स्टेटिन। सोमेटो स्टेटिन का क्या काम होता है, यह करता है इनिबिट किसको, इनिबिट करता है ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सिक्रेशन। ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रेशन है उसको इनिबिट करता है, अवरुद्ध करता है, ताकि एक ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो और उससे ज्यादा अमाउंट में ही यदि इंसुलिन है तो इंसुलिन पूरी बॉडी का जो ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसको भी कहीं ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर दे। ये काम होता है डेल्टा सेल्स का। अब नेक्स्ट सेल है फोर्थ, कौन सी होती है, गामा सेल्स या एफ सेल या पॉलीपीपी सेल। ये एफ सेल क्या करती है, एफ सेल सीक्रेट
पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड इसीलिए इसको पीपी सेल शॉर्ट में बोलते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है एंजाइम का। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इसका फंक्शन क्या होता है? ये काम करता है इनिबिट, इसको इनिबिट करता है इनिबिट पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेशन। यानी जो अग्न्याशय रस का स्त्रवण हो रहा है उनको इनिबिट करता है, ताकि एक लिमिट से ज्यादा, यदि भोजन के पर्याप्त मात्रा में पेनक्रियाटिक जूस है वो मिल गया है तो उससे ज्यादा अमाउंट में सिक्रेशन नहीं हो, इसलिए उसको इनिबिट करने का काम है वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंजाइम करता है। ये हो गई आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो सेल्स प्रेजेंट होती है और उनका फंक्शन। अब हम देखने वाले हैं पेनक्रियाज के जो फंक्शन है, मेनली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जिसका जो सिक्रेशन है वो स्त्रवण है वो सीधे ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त में प्रवाह किया जाता है, और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज की, जो क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है वो क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन करती है। अब जो हमने पढ़ा था कि पेनक्रियाटिक जूस का एक्सोक्राइन सेल्स के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है, एसिना सेल उनका क्या फंक्शन होता है? तो सबसे पहले पेनक्रियाटिक फंक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस विच आर सीक्रेटेड बाई एसिनार सेल्स, जो किस टाइप की है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन किया गया है, कौन कौन से पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन किया जाए? अग्न्याशय रस का एसिनार कोशिकाओं के द्वारा, एक होता है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, जिसका जो क्या करते हैं पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सिक्रेट किए जाते हैं। एमाइलेज, लाइपेज, ये सीक्रेट किए जाते हैं किसके द्वारा? पेनक्रियाटिक जूस में ये इंक्लूड होते हैं ये सब्सटेंस। ये क्या करते हैं एंजाइम? डाइजेस्ट प्रोटीन, यानी प्रोटीन के पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वह है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये ड्यूडिनम में प्रोटीन का पाचन करते हैं, पर
ये स्त्रवण है, इसका जो सिक्रेट किए जाते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में किए जाते हैं, यानी ये एक्टिव नहीं होते, सक्रिय नहीं होते। तो सक्रिय कहाँ होते हैं? ये ड्यूडिनम में जाके एक्टिवेट होते हैं। ड्यूडिनम में कैसे एक्टिवेट होते हैं? ड्यूडिनम में एंटरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो ड्यूडिनम की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। उनके द्वारा ट्रिप्सिन को, जो ट्रिप्सिनोजन है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, और ट्रिप्सिनोजन आगे काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी डेज को भी आगे कन्वर्ट करने का काम है वो करते हैं, कौन? ट्रिप्सिन। अब जो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो एमाइलेज के द्वारा किया जाता है ड्यूडिनम में। और फिर है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड को, लिपिड या फैट भी बोल सकते हैं, फैटी एसिड का डाइजेशन है वो लाइपेज के द्वारा किया जाता है, जो इंक्लूड होता है पेनक्रियाटिक जूस में। अब है नेक्स्ट फंक्शन, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एसिनार सेल, जो मेनली एसिनार सेल्स इंटरकैलेटेड, हमने पहले देखा था कि इंटरकैलेटेड सेल्स होती है, जो एसिनार सेल से जो डक्ट कनेक्टेड रहती है, वाही का कनेक्ट, उसमें कौन सी वाही? इंटरकैलेटेड डक्ट है वो कनेक्टेड रहती है, उस पर एक सेल्स, वो एक सेल्स की बनी होती है और वो सिक्रिएट करती है, इंटरकैलेटेड सेल्स की बनी होती, कोशिकाओं की बनी होती है, वो सिक्रिएट करती है स्त्रवित, किसका करती है? बाइकार्बोनेट का। तो सेकेंड फंक्शन हो गया हमारा सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट ये किसके द्वारा किया जा रहा है? यदि सिग्निफिकेंटली सही कहें तो किसके द्वारा? इंटरकैलेटेड, पर माना जाता है कि यह एसिनार सेल्स के द्वारा ही सिक्रेट की जाती है, जिसका काम क्या होता है? विच न्यूट्रीलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम इन ड्यूडिनम। बाइकार्बोनेट क्या करता है? क्योंकि हमारे स्टोमक यानी आमाशय में HCl का सिक्रेशन होता है। HCl किस टाइप का है? एल्केनाइन नेचर का है, सॉरी एसिडिक नेचर का है, अम्लीय है, उसका पीएच अराउंड 2 to 3 होता है, जबकि जो ड्यूडिनम होता है उसका पीएच कितना होता है? 8 के ऑलमोस्ट, 7 to 8। तो ये होता है एल्केलाइन नेचर का, वो हो गया एसिडिक। तो ड्यूडिनम में यदि वो आएंगे, कौन? काइम। जो काइम किसे बोलते हैं? जब स्टोमक से, आमाशय से फूड आता है वो ड्यूडिनम है, उसको काइम कहा जाता है। काइम आएगा तो काइम किस टाइप का होगा? एसिडिक होगा, और उस पर पेनक्रियाटिक एंजाइम का एक्ट करने के लिए, पेनक्रियाटिक जूस के को उसको पाचन करने के लिए एल्केलाइन नेचर की जरूरत होगी, यानी सारे इन्वायरमेंट चाहिए होगा। तो क्या करती है? जो बाइकार्बोनेट है यह
जाकर वहाँ एल्केलाइन नेचर इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करती है, इसकी एसिडिटी को कम कर देती है। और जैसे ही एसिडिटी कम होती है, ड्यूडिनम में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो एक्ट करते हैं और वहाँ पे फूड का है वो डाइजेशन होता है। और जो थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस की अलग अलग सेल्स के द्वारा किया जाता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये होता है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय का छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आज हमने देखा। थैंक यू सो मच।